आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, और साथ में पूछना चाहेंगे कि आप बचपन में दिवाली कैसे मनाते थे? बचपन में जो बाकी के बच्चे करते हैं, यूज्ड टू बस क्रैकर्स एंड थिंग्स लाइक दिस, एंड वो जो एक रिचुअल वी ऑल डिड, एंड जो रिचुअल होता है पूजा का, एंड नाउ वी हैव रियलाइज्ड के इट्स जस्ट पोल्यूशन. सो सिर्फ पूजा होती है घर पे, बट सो बचपन में भी पूजा, पटाखे और रंगोली हुआ करती थी. अब पूजा और रंगोली अभी भी चलती है, पटाखे हमने आपकी फिल्म भी रिलीज होने वाली इस दिवाली में. हाँ, बहुत इस दिवाली में बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी फिल्म रिलीज हो रही है. अदरवाइज एवरी दिवाली इज जस्ट new clothes and happiness and everybody getting together. Mm-hmm. Of course, Bhaiya Dooj bhi aata hai, so you meet all your cousins and brothers and everybody gets together. So mm-hmm. it's a big party where family is concerned. Haan, is Diwali mein the best part is of course that our film is releasing. Ye Tera Mera Saath Rahe jo aapki film release hone wali hai, kya ek tarah se ek nayi shuruaat bhi hai, ek naya style of filmmaking? Is it a film about a new genre? I wouldn't call it a new genre, but it's definitely a very human story of, you know, it's a story of a man who has a younger brother who's a spastic, handicapped child, and how all his life he has lived for him because there's nobody else and taken care of him. That's why he never did want to marry and things like this, and how he falls in love and the conflict starts that should he live for himself or should he live for the child. So it's the whole thing is that. Sonali, आपका क्या किरदार है मूवी में? Confident, today's modern girl. दिल्ली से आई है मुंबई में, and she's working there now. और कहीं पे the way we meet in the film, यही बात बहुत अच्छी है इस फिल्म की कि बहुत इमोशंस बहुत ही रियल है जो किसी के भी, हमारे तुम्हारे किसी के भी लाइफ में हो सकते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हैं इसमें. तो दिल्ली से मैं आई हूँ, आई हैव हैड अ ब्रोकन एंगेजमेंट बिहाइंड मी, और जो मैं काम करने मुंबई आती हूँ, और मेरे जो मामा जी हैं जो मुंबई में हैं जिनके साथ मैं रह रही हूँ, वो अजय के बॉस रह चुके हैं, और ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ अजय एज अ पर्सन. तो वो चाहते हैं कि ये दोनों मिले और इनकी शादी हो. तो वो लड़की देखने कैसे आते हैं, दैट वे ही कम्स, और हम दोनों को मौका दिया जाता है कि आप बात कीजिए. एंड ही सेज दैट यू नो आई डोंट रियली वांट टू गेट मैरिड, एंड आई से यस आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मतलब एक एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे भी शादी नहीं करनी. एंड दैट वे वी स्टार्ट टॉकिंग, और हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं. और दोस्ती से आगे कैसे वी फॉल इन लव, एंड वी डोंट रियलाइज वी फॉलन इन लव, एंड दिस इज हाउ द स्टोरी गोज ऑन. सो इट बिगिंस विद लिसन वी डोंट रियली वांट टू गेट मैरिड, सो इट्स वेरी बिलीवेबल. सोनाली, एक और चीज पूछना चाहेंगे कि सरफरोश और हम साथ साथ हैं के बाद काफी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी आपसे, लेकिन उसके बाद इतनी ज्यादा फिल्मों में नजर नहीं आई, तो उसकी कोई खास वजह रही? यही कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन शायद मेरी भी खुद से बढ़ गई थी उसके बाद में. तो आई एम बीइंग वेरी सिलेक्टिव अबाउट द फिल्म्स आई डू. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं उन्हीं के साथ काम करना चाहती हूँ जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि वो 100-150 दिन जो भी लगते हैं फिल्म बनाने में, दैट्स अ लॉन्ग टाइम टू स्पेंड विद पीपल. सो तेरा मेरा साथ रहे इज वन ऑफ दोज फिल्म्स जहाँ पे वी हैड लॉट ऑफ फन मेकिंग द फिल्म, एंड आई हैव वर्क्ड विद पीपल हुम आई रियली एंजॉय वर्किंग विद, सो इट्स बीन गुड. और अजय, आपका जो रोल निखर के आया था हम दिल दे चुके सनम और जख्म के बाद, आपकी जो नई फिल्म आई उसमें वो देखने को नहीं मिला? तो इट डिपेंड्स फ्रॉम फिल्म टू फिल्म, एंड इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर्स. एंड आई वाज वेरी सैटिस्फाइड विद लज्जा, एंड नाउ डेफिनेटली आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद दिस फिल्म तेरा मेरा साथ रहे. राजू चाचा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई फिल्म बहुत ज़्यादा, तो उसका किस हद तक असर पड़ा आपको, आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी? सी यू कांट एनालाइज इट, वी वर्क्ड वेरी हार्ड, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु सॉ द फिल्म अप्रिशिएटेड इट, बट डेफिनेटली देयर वाज समथिंग रॉन्ग दैट इट डिडंट वर्क. आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी ये पहली वेंचर, आई मीन पहली मूवी थी व्हेन यू वर प्रोड्यूसिंग इट, तो आपको थोड़े लो बजट पे करनी थी, कहीं ऐसा तो नहीं है? आई स्टिल एम वेरी प्राउड ऑफ मेकिंग दैट फिल्म, एंड इफ पीपल थिंक आई मेड अ मिस्टेक आई विल मेक दैट मिस्टेक अगेन.
अच्छा अजय, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत जैसे जबरदस्त एक्शन हीरो के रूप में हुई थी और लज्जा में भी आपका एक जो किरदार आपने निभाया वो भी बहुत अप्रिशिएट किया गया, तो क्या वो उस एक तरह से उसी इमेज को दोबारा नहीं आने का प्रयास है या आई एम डूइंग ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स? तेरा मेरा साथ रहे इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ फिल्म, बट देन माय नेक्स्ट रिलीज आफ्टर दिस इज कंपनी व्हिच इज अगेन दिस काइंड ऑफ फिल्म, सो आई एम डूइंग ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ तेरा मेरा साथ रहे जो है वो किस हिसाब से आपको डिफरेंट लगती है, क्या नयापन महसूस करते हैं? बिकॉज देखिए द फिल्म इज वेरी 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 नेचुरल एंड आई थिंक फॉरगेट मी एवरीबडी इंक्लूडिंग दैट चाइल्ड सोनाली नम्रता एवरीबडी इज परफॉर्म्ड सो वेल इन द फिल्म, इट इज यू कैन कॉल इट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म। अच्छा सोनाली, आपने शुरुआत की मॉडलिंग से, फिर आप आई मूवीज की तरफ, अब आप आ गई हैं एंकरिंग टीवी शोज की तरफ भी, तो समय कैसे निकाल पाती हैं आप, इतना बैलेंस कैसे कर लेती हैं? मैं कभी छुट्टियां ही नहीं मनाती, आई वर्क ऑल राउंड द क्लॉक। इज दैट द रीजन ऑफ स्टेइंग फिन? मस्ट बी, हाइपरएक्टिव। तो कभी आपको ऐसे लगा कि इस लाइन में इतने मतलब ऑल द टाइम यू आर वर्किंग, हमेशा नॉन स्टॉप वर्किंग करते रहते हैं आप, काम करते रहते हैं, तो कभी आपको लगा कि आपकी सेहत पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपको यू शुड कट डाउन ऑन वर्क? हाँ, अभी ज़रूर लगता है ऐसे कि आई शुड कट डाउन ऑन वर्क एंड आई शुड डू अ फ्यू मोर थिंग्स विच आई लाइक डूइंग एंड विच आई डोंट हैव टाइम फॉर, लेकिन कहीं पे आई एम अ वर्कहॉलिक, तो अगर मैं कुछ करती नहीं रहूँ तो आई एम सो यूज्ड टू डूइंग समथिंग कॉन्स्टेंटली, आई थिंक आई वुड बी अ लिटिल लॉस्ट इफ आई वॉज नॉट वर्किंग और डूइंग समथिंग विद माय लाइफ। बताइए कि क्या खूबसूरती एक तरह से एक लिमिटेशन भी बन जाती है जिस किस्म के किरदार दिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, आई थिंक वी हैड वेरी गुड लुकिंग यू नो एक्ट्रेस इन आवर इंडस्ट्री और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ लॉजिकल थिंग एट ऑल। इस फिल्म में एक मेंटली चैलेंज्ड किड है और उसके उस बच्चे के साथ आप लोगों का इंटरेक्शन है, तो इसके लिए कुछ खास अलग से प्रिपरेशन, कुछ अपने तौर पे बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत या इंटरेक्शन? द डायरेक्टर डिड दैट बट दे व्हेन दे वर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट एंड दे हैड पीपल फ्रॉम द schools which have children like these, and for us it was an experience because what we used to just feel bad about came too close to us and suddenly we realized ke, you know, we've never felt like this earlier. The first time hum log unke itne kareeb aa gaye ki we realized ki this is much more to it than anything else. Firstly ye bataiye ki is tarah ki filmon ka aajkal jo mahol hai usme kitna scope hai, क्या इस तरह के वेंचर्स लोग? देखिए द बॉटम लाइन इज क्योंकि कोई जॉनर नहीं होता फिल्म का कि ये चलता है ये नहीं चलता है जी, बॉटम लाइन इज अ गुड फिल्म वर्क्स एंड अ बैड फिल्म डज नॉट वर्क, दैट इज इट। एक और ख़ास बात यह है कि बहुत सारे लोग जो खुद अपने एक अलग किस्म के किरदार निभाना चाहते हैं वो अपना अपनी फिल्में प्रोड्यूस करने में लग गए हैं, क्या वो मौक़ों की कमी है इंडस्ट्री में, क्या एक ख़ास किस्म के रोल्स ही सबके लिए मौजूद हैं? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि रोल्स की बात नहीं होती, कई किस्म की फिल्में होती हैं जो लोगों को लगता है कि यू नो वी शुड नॉट रिस्क इट एंड एंड दे आर राइट इन देयर वे व्हेन द प्रोड्यूसर्स थिंक लाइक दिस बिकॉज दे आर हियर फॉर प्रोफेशन एंड अगर आपको एक अलग किस्म की फिल्म बनानी है तो आई थिंक इट्स द बेस्ट टू डू इट विद योर ओन मनी सो दैट यू डोंट यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। अच्छा, आप दोनों को आपको ऐसा रोल बहुत क्लोज हो जिसके आप जो करना चाहते हैं और आपको अभी तक ना मिला हो या मिल चुका हो जो आपके बहुत करीब हो, ऐसा कोई रोल है? देयर इज नथिंग ऑफ दैट, देयर इज नथिंग। सोनाली आपके? मुझे लगता है कि आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि ये मैं करना चाहूंगी या यू नो द मोमेंट यू टॉक अबाउट अ रोल दैट आई वॉन्ट टू प्ले इट्स ऑब्वियसली बीन प्लेड बाय समवन, सो यू कांट से दैट दिस इज व्हाट शी हैड प्लेड एंड आई वुड लाइक टू प्ले दैट, नो। आई सपोज इट विल हैपन जब मैं मे बी 40 साल के बाद अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको इसका जवाब दे सकूंगी। अजय, प्रोडक्शन तो आपने शुरू किया, आप क्या डायरेक्शन में भी आगे जाने का इरादा है? नहीं, नॉट एट द मोमेंट, मे बी बाद में बट नॉट नाउ। अच्छा, ये बताइए कि इस फिल्म में खास तौर पे जिस तरह आप बात कर रहे थे कि इंटरेक्शन की उस बच्चे के साथ, तो पर्सनली किस हद तक आपको मूव किया है इस चीज ने? इसके बारे में देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई कांट एक्सप्लेन कि कितना मूव किया है, बट पहले आप सिर्फ यू नो यूज टू सी द चाइल्ड फील बैड अबाउट इट एंड फॉरगेट अबाउट इट, नाउ यू थिंक अबाउट इट, नाउ यू डोंट फॉरगेट अबाउट इट, या यू थिंक अबाउट, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग चेंज है। अच्छा, आपको लगता है कि आजकल फिर से एक पैरेलल सिनेमा का ट्रेंड शुरू हो गया, बीच में बॉलीवुड जैसे कहते हैं
उसमें मतलब there was a lull in that phase. तो आप कुछ उस टाइम पे सिनेमा में नए किरदार कुछ सीरियस आर्टी फिल्म्स में कुछ करना चाहेंगे? See, I don't believe in parallel cinema. I mean, art is art. This is also if you call it कि वो जो फिल्में बनाते हैं वो आर्ट है और ये कमर्शियल फिल्म है, तो ऐसा कुछ नहीं है. कमर्शियल फिल्में भी उसमें भी आर्ट होता है. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम फिल्म टू फिल्म. ऐसा कुछ नहीं है कि देयर इफ आई लाइक अ स्क्रिप्ट इफ आई लाइक समथिंग रियली नाइस आई डेफिनेटली डू इट. द पॉइंट इज दैट इट शुड इंटरेस्ट यू एज अ पर्सन. इंडिविजुअल चॉइस है ये तो. और काम करने के बाद देयर शुड बी दिस सैटिस्फैक्शन दैट यू डिड समथिंग. या एब्सोल्युटली.